अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी अब्दुल समद, अपने चैनल अब्दुल समद पीके के साथ। तो जनाब अभी मैं जेंटिंग हाईलैंड में हूं, मलेशिया में। अभी मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूं, वो ये कि यहां पे हमने होटल की बुकिंग करनी थी, वो बहुत महंगे थे। 500 रिंगट, 400 रिंगट, 300 रिंगट एक रात का, वन नाइट का, 24 आवर का। लेकिन हमने एक अपार्टमेंट देखा जो बहुत ही खूबसूरत है, उसकी मैं आपको पूरी वीडियो बना दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या है। सिर्फ 90 रिंगट पर नाइट, आप देखें कि 24 आवर का सिर्फ 90 रिंगट। और होटल में तो आपको एक कमरा मिलना था, यहाँ आपको दो रूम मिले हैं, बेडरूम साथ किचन हर चीज़ है। अभी मैं आपको पहले बालकोनी दिखाता हूँ क्योंकि मैं बालकोनी में खड़ा हूँ, इसके बाद आपको पूरा अपार्टमेंट दिखाता हूँ ताकि अगर किसी भाई ने, किसी फैमिली ने आना हो जेंटिंग हाईलैंड मलेशिया में, तो वो यहाँ पे इस अपार्टमेंट में आए। बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट है और मुझे बहुत पसंद आया, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। हम चार लोगों की फैमिली है और बहुत ही ज़बरदस्त अपार्टमेंट मिला। 90 रिंगट है सिर्फ इसका रेंट, 24 आवर का। अभी आपको मैं यहाँ बालकोनी से पहले व्यू दिखा दूँ, फिर मैं अंदर चलता हूँ आपके। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त व्यू है, ये मैं इस टाइम बालकोनी में खड़ा हूँ। ये सामने देखें बादल कहाँ तक आए हुए नीचे पहाड़ों में। ये सारा जेंटिंग हाईलैंड है, ठीक है, मलेशिया का एरिया। ये देखें, ये मैं इसकी बालकोनी में खड़ा हूँ अपने अपार्टमेंट की। और होटल लेने से बेहतर है ये आप अपार्टमेंट लें, बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट है। अभी चलता हूँ अंदर, ये देखें अपार्टमेंट के बालकोनी से अंदर जाता हूँ मैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखें, ये इसका एंट्रेंस है, मेन गेट है, ठीक है जी, यहाँ से हम एंटर हुए थे। ये देख रहे हैं आप किचन, मतलब कि होटलों में तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इतना चीप रेट पे और इतना ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई देख के। ये पूरा फ्रिज, ठीक है, फ्रिज मिला है साथ। ये हॉट प्लेट लगी हुई है किचन में, ये हॉट प्लेट लगी हुई है, वो इलेक्ट्रिक केटल बड़ी हुई है, चाय वगैरह बना सकते हैं, ये तो हमारा सामान है। ये देखें और बर्तन बकायदा दिए हुए हैं, और सब ये देखें वॉशिंग मशीन भी मिली हुई है। होटल में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती, और बस इनका ये है कि इन्होंने कहा है कि नॉन अल्कोहल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी किसी मुस्लिम का है। ये देखें ये सोफ़ा पड़ा हुआ है साथ, ये हमारे आते सार बच्चों ने कपड़े शपड़े फेंक दिए। सोफ़े के आगे टेबल लगी हुई है खाने के लिए, ठीक है, और बहुत खूबसूरत है। एक ये है ड्राइंग रूम टाइप बना हुआ, ये देखें ये LED वगैरह लगी हुई है, वाईफाई लगा हुआ है, इतनी फैसिलिटीज़ कभी भी नहीं मिलती कहीं भी इतनी चीप रेट पे। और ये सोफ़ा है, ये बच्चे बैठे हुए हैं गेमें खेल रहे हैं। और आपको बताऊं, ये देखें एक वॉशरूम, और वॉशरूम भी बहुत आउट क्लास, ये देख रहे हैं आप वॉशरूम, देखें आउट क्लास वॉशरूम है। और दो वॉशरूम है और दो बेडरूम है, ये एक बेडरूम हो गया, ठीक है जी। पंखा वगैरह लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मौसम अच्छा है और ठंडा है, इसलिए AC वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें इसका यहाँ पे भी खिड़की से व्यू कितना ज़बरदस्त है, ये टेबल लगी हुई है, ये चेयर लगी हुई है, ठीक है। तो ये मेरा असल में काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि जहाँ भी जाएँ अपार्टमेंट वगैरह की ज़रूर बनाएँ, क्योंकि कुछ लोग देखते हैं कि बजट के मुताबिक काम और चीप रेट पर हो। तो ये दूसरा बेडरूम, उसमें एक डबल बेड लगा हुआ है, इसमें एक डबल बेड लगा हुआ है क्वीन बेड, और एक सिंगल बेड लगा हुआ है बच्चों के लिए। और ये देखें खिड़की, और खिड़की से व्यू देखें आप, पहाड़ ही पहाड़ हर तरफ और बादल ही बादल, ये देखें। और ये अटैच बाथ है इसके साथ दूसरा, ठीक है जी, ये दूसरा अटैच बाथ हो गया। मुझे ये अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात है जी, हम हर बंदे को होता है कि पैसे कम से कम लगें, तो चीप रेट है, बहुत मज़ा आया यहाँ आके। ये देखें बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा बिल्कुल ये अपार्टमेंट है, बिल्कुल साफ़ सुथरा के देख के ही दिल खुश हो गया। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे असल में जो जो मैसेज आते हैं ना, वो उसी तरह की मैं वीडियो बनाता हूँ। लोगों की डिमांड होती है कि हम यहाँ पे घूमने फिरने आए हैं मलेशिया में, तो हमें कोई अच्छा और सस्ता सारा काम हो, हर बंदे की कोशिश होती है कि सस्ती चीज़ें हों। तो ये आपको एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो मुझे लगता है कि जो मलेशिया में फैमिलीज़ रहती हैं उनके लिए तो बहुत कारामद होगी, बहुत उनको पसंद आएगी। तो मैं तो भाई फैमिली वाला बंदा हूँ, और मुझे भी ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनका रेट अच्छे हो और साफ़ सुथरा एरिया हो। तो हम एक कमरा ढूंढ रहे थे रात को बैठ के ऑनलाइन,
कि कौन कौन से होटल में जाएं, होटलों के रेंट किसी का 400 रिंगट, किसी का 500, तो इस तरह उनके वन नाइट के रेंट थे। तो भाई हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम देखते हैं कि जो वहाँ पे कम से कम हो। तो ये अपार्टमेंट का हमने बुकिंग की, हमने भी सोचा था काम एक आधा कमरा होगा, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दो बेडरूम है, दो बाथरूम है, LED वगैरह लगी हुई है, वाईफाई है, किचन सबसे बड़ी बात है जो फैमिली के लिए अहम चीज़ होती है, किचन वो बहुत अच्छा बना हुआ है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ से आप व्यू देखेंगे, दिखाया आपको बहुत आउट क्लास व्यू है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी जो फैमिलीज आना चाहती हैं। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ये मलेशिया का जेंटिंग हाईलैंड है जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, ठीक है, फैमिली के साथ। फोर पर्सन की फैमिली है जो हम यहाँ पे आए हैं। और मैं आखिरी जो वीडियो होगी, अभी तो मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले केबल कार के मतलब बनाई थी जो यहाँ पर चल रही है, जिसपे बच्चों को सैर करवाई। तो आखिरी वीडियो पे जो भी जिस भी मुकाम पे मैं आखिरी वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि टोटल खर्चा हमारा KL से लेके कुआलालंपुर से यहाँ पे आने के बाद वापस जाने तक दो दिन के स्टे का कितनी अमाउंट बनती है, वो मैं आखिरी वीडियो पे बताऊंगा आपको सारा अकाउंट करके। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं 3-4 वीलॉग बनाने वाला हूँ बहुत से लोगों की डिमांड के ऊपर। तो अभी भी मेरे काफ़ी मैसेज ऐसे हैं जिनको मैंने रिप्लाई नहीं किया, उनकी डिमांड भी यही थी कि अभी वीडियो डालें कोई अच्छे होटलों की, अच्छी जगह पे आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ की। तो अभी उनको रिप्लाई भी करना है कि भाई वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अभी नहीं कर रहा, अभी दो दिन का स्टे है, उसके बाद वापस जाऊँगा तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। एक दफ़ा आपको फिर ज़बरदस्त किस्म का व्यू दिखाता हूँ जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। वो बारिश शुरू हो गई है और यहाँ पे आप पहाड़ों पे बारिश देखें कि कैसी है और क्या सूरत हाल है, आपको दिखाऊं मैं। ये देखें अभी ये फुल बारिश हो रही है और बादलों ने पहाड़ों को बिल्कुल अपने ऊपर कर लिया, बिल्कुल पहाड़ नज़र नहीं आ रहे, जितने पहाड़ हैं वो नज़र नहीं आ रहे, बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही, इतने ज़्यादा बादल नीचे उतर आए हैं और फुल बारिश हो रही है यहाँ पे इस टाइम आप देख रहे हैं। ये देखें नीचे का व्यू देखें आप, ये साइडों का व्यू देखें तो अच्छा जी। और ये सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ये इसका ये जो है इसका नाम है विंडमिल अपॉन द हिल, होटल का नाम है, उसमें अपार्टमेंट है, विंडमिल ऑन द हिल उसमें ये अपार्टमेंट है। तो ये नाम याद रखिएगा, कभी भी बुकिंग करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो आना चाहे सस्ते में और अच्छे में। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, विंडमिल अपॉन द हिल जेंटिंग हाईलैंड मलेशिया, ये मुकम्मल एड्रेस दे दिया क्योंकि मुझे याद आया कि लोगों ने कहना कि एड्रेस तो दिया नहीं, तो ये एड्रेस भी दे दिया। तो अगर आपको व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, अगर चाहिए हो तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप इस अपार्टमेंट की बुकिंग कर सकें। तो कैसी लगी आपको वीडियो, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे ये वीडियो बना के भी, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगी जो भी मलेशिया में है, फैमिलीज़ के लिए ये वीडियो है, मुझे उम्मीद है ये फैमिलीज़ को के लिए काफ़ी कारामद होगी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं बच्चों को लेके कहाँ जाते हैं, जेंटिंग हाईलैंड में ही, तो फिर मैं वहाँ जा के वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो मुझे अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।